Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Niketan. Myself is Kamini Shashyam. और previous video में हम लोगों ने indefinite article पढ़ा था और आइए अब हम इसके थोड़े examples कर लेते हैं. इसके बाद हम definite article start करेंगे. देखिए first अपना example है box. Box का हम लोग इसका vowel sound check करेंगे कि consonant sound आ रहा है कि vowel sound. तो देखिए इसमें box है, ba है, मतलब कि consonant sound आ रहा है. तो इसके सामने हम लोग क्या लगाएंगे? ए. ठीक है, आप जैसे ये एलिफेंट है, एलिफेंट के फर्स्ट वर्ड वर्ड का सॉरी फर्स्ट अल्फाबेट का क्या साउंड आ रहा है? वोवेल साउंड आ रहा है. और कैसे लिखते हैं इसको? एलिफेंट में स्टार्ट होगा ए से. तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एन आएगा. अब यहाँ पे देखिए ऑयल है. अब ऑयल ऑयल का तो हम लोग अब इसका कंसोनेंट इसका जो फर्स्ट अल्फाबेटिक साउंड है वो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है. लेकिन साथ ही में ये देख लीजिए कि ऑयल काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है. तो देखिए ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल या बोल दीजिए आप नॉन काउंटेबल है ना, काउंटेबल है. तो हम लोग ना तो इसमें ए का यूज करेंगे ना तो एल का यूज करेंगे. तो ये जो हमारा एग्जांपल क्या है? जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का है ये. तो ऑयल के लिए हम लोग ए का भी यूज करेंगे नहीं, एन का भी यूज नहीं करेंगे. ये क्या है? जीरो आर्टिकल है क्योंकि ये नॉन काउंटेबल आर्टिकल वर्ड है. अब हम इसका देख लेते हैं एलिफेंट्स. एलिफेंट्स में क्या आएगा? है तो अपना साउंड ए, पर हम एक और चीज इसमें देखेंगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है. अब देखिए ये है ना, ये जो वर्ड है ये प्लूरल है. और जैसा कि हमने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउंस में दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउंस और प्लूरल नाउंस. तो ये जो है ये काउंटेबल नाउंस का प्लूरल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. ठीक है, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूरोपियन. यूरोपियन का यूज है वो अपना कंसोनेंट साउंड आ रहा है इसका. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि द यूरोप होगा पर वो नहीं होगा. प्रीवियस वीडियो में क्या किया था मैंने? लिख दिया था अ यूरोप, पर आर यूरोप नहीं होगा क्योंकि यूरोप जो है वो एक पूरी कंट्री है. जो यूरोप है वो एक कॉन्टिनेंट है और जो कॉन्टिनेंट है उसके सामने ए और एन नहीं लगता है. वहां पे मेरा मतलब यूरोपियन से था, वो मैंने गलत यूरोप लिख दिया. तो यूरोपियन के आगे क्या आएगा? अपना ए आएगा, अ यूरोपियन. ठीक है, फिर आ गए अपन यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में भी अपना कॉन्सनेंट साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. अब देखिए इंक, सॉरी ये जो है यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ए. तो ये हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी. अब हम लोग बात करते हैं इंक की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की. तो ये भी नॉन काउंटेबल नाउन है तो हम लोग ये भी इसमें भी क्या ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा. ये भी क्या है? जीरो आर्टिकल. लेकिन इंकपॉट, इंकपॉट क्या होता है? जिसमें स्याही रखते हैं वो पॉट है. तो ये एक नाउन हो गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इन, एन इंकपॉट. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सरे. एक्सरे में जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका क्या साउंड आ रहा है? इसका जो साउंड आ रहा है एक्स, एक्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. अब नीचे लिखा है आई ए एस, इसका भी जो फर्स्ट अल्फाबेट का वोवेल साउंड क्या आ रहा है? आई है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. अब डीएम, डी डी आ रहा है, डा आ रहा है, मतलब अपना कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. एसपी है, एसपी में भी जो है हमारा वोवेल साउंड आ रहा है एस. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. अब बीई लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड, तो बीई में भी क्या है? ये बार है, कंसोनेंट है अपना ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमएलए. एमएलए में क्या एम आ रहा है लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? बनेगा तो ये ऐसे वोवेल साउंड दे रहा है ये भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एमएलए. अब यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या है? इसमें कुछ भी नहीं आएगा. इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा? जीरो आर्टिकल. लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट बॉय. यहाँ पे ये क्या बता रहा है? कि ऑनेस्ट कोई लड़का है, यानी बॉय के लिए बता रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ए, एन ऑनेस्ट बॉय, है ना। अब दूसरा लास्ट वर्ड है एमबीबीएस, एमबीबीएस में भी ये आ रहा है एम, वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एन एमबीबीएस। देखिए अभी तो हम लोगों ने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, अब हम इसको सेंटेंस वाइज सॉल्व करके देखेंगे कि एग्जाम में कैसा आता है। देखिए अब हम लोग इसको सेंटेंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि ये सेंटेंस है, ही इज डैश ऑनेस्ट, अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या आएगा, ये ही इज डैश ऑनेस्ट। मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये बता तो रहा है कि ऑनेस्ट है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा कि हमारा नाउन क्या है, डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि किसके लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल जीरो आर्टिकल का, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो आर्टिकल का, तो इसमें क्या आंसर आएगा अपना, ही इज डैश ऑनेस्ट में जीरो आर्टिकल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए, शी इज डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये भी सेम इसी टाइप का कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे भी पता नहीं है भाई कौन है, कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या होगा हमारा, डी, ऑप्शन डी, ये भी क्या है, जीरो आर्टिकल का एग्जाम्पल है। अब देखिए शी इज अ, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शी इज डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पे देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, गर्ल के बारे में, सिंगल गर्ल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए, शी इज, हाँ देखिए शी इज सॉरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, यहाँ पे क्या है जो वर्ड है अपना क्या है, वोवेल कॉन्सोनेंट है, एक्स एक्स लिखा है, तो एक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन एन, मतलब शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं इसी का, डेफिनेट आर्टिकल। देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ होता है, डेफिनेट आर्टिकल का मैं हम लोग वो पढ़ते हैं जो हमें पर्टिकुलर कोई चीज हो वो स्पेसिफाइड हो, हमें उसके बारे में पता हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अब देख लीजिए, देखिए दा जो होता है, दा हम लोग किस चीज के लिए रिफर करते हैं, दा हम लोग कोई भी नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नाउन कौन सा, जो कि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, प्लूरल दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिंग और कहाँ पे हम लोग दा यूज करते हैं, दा जो रहता, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। हम देखें जब भी हम लोग कोई रिवर का नाम लेते हैं, बिफोर द नेम ऑफ रिवर हम लोग हमेशा दा लगाते हैं, क्योंकि ये हमको मालूम है, स्पेसिफाइड है ये रिवर कौन कौन सी है, जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, देखिए ओशियन वो भी है, वो भी एक ही है सिंगल, तो हम लोग क्या, अब ओशियन, ओशियन कैसे लिखेंगे, द इंडियन ओशियन। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने द इंडियन ओशियन लिखा है, और इंडियन जो है ये जो आई है ये तो वोवेल साउंड दे रहा है। देखिए मैंने क्या कहा कि हम लोग डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफाइड थिंग के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वोवेल साउंड ना देखते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडियन ओशियन, ओशियन तो क्या है, स्पेसिफाइड है, एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। देखिये ये जो ओशियन है, ओशियन तो अपने बहुत बहुत सारे हैं, ओशियन जो है ये तो पांच है, लेकिन इंडियन ओशियन भी एक ही है और पैसिफिक ओशियन भी एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एपिक, एपिक मतलब कि जो बुक्स, बुक्स बुक्स वो कौन सी बुक, जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि द वेदास, द रामायण, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, एपिक देख लिया, अब अपन बोलेंगे आर्म फोर्स, जो भी आर्म फोर्स है उनके सामने भी हम लोग दा यूज करते हैं, जैसे कि द आर्मी, द एयर फोर्स, देखिए अब हम लोग माउंटेन रेंजेस के सामने भी लगाते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि माउंटेन रेंजेस और माउंटेन क्या है, देखिए माउंटेन रेंजेस क्या रहता है, ऐसा रहता है,
एक माउंटेन माउंटेन और ये सारे पीक्स बने हुए, मतलब कि ये फैलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया अपना माउंटेन रेंज हो गया। तो जब भी हम लोग माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो हम लोग उसके सामने हमेशा दा लगाएंगे, और माउंटेन क्या होता है जिसमें एक ही पीक हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो आप देख लीजिए कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम, जैसे द हिमालय। हिमालय जो है वो एक ही पहाड़ नहीं है, उसमें बहुत सारे पीक पॉइंट्स बने हुए। फिर द सतपुरा, इसमें भी बहुत सारी रेंजेस बनी हुई है, इसलिए इसके सामने भी हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। द अरावली, अरावली भी एक माउंटेन रेंज है। द विंध्याचल, यहां ध्यान से देखिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज की। जब भी माउंटेन रेंज की बात आएगी हम लोग हमेशा उसके सामने द लगाएंगे। हाँ, अब देखिए हम लोग कुछ माउंटेन्स की भी बात कर लेते हैं। माउंटेन के सामने हम लोग द नहीं लगाएंगे, जैसे कि हमारा क्या है मैकाल पर्वत, जो मैकाल है इसके हम लोग लिखेंगे सामने ए मैकाल माउंटेन। देखो अब आप सोचोगे कि ए लगाएंगे, ए भी नहीं लगाएंगे। जो ये जो माउंटेन रेंज माउंटेन होगा उसके सामने हम लोग कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ खाली सिंपल ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब और भी देखिए, जैसे माउंटेन, कौन सा माउंटेन, माउंटेन अबू है ना, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, तो ये जो सारे माउंटेन है उनके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल का कुछ पोर्शन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, और एंड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।